हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप नॉच कैसे हाइड कर सकते हो। तो गाइस, हाउ टू हाइड नॉच। आपको कैसे आपका अपने फ़ोन में जो नॉच है उसे हाइड करना नहीं आता, यानी कि जबकि नॉच होती है गाइस ये वाली, इसको नॉच कहते हैं, वैसे आपको हाइड करना है कि नॉच ना दिखे आपको फ़ोन में, ऐसा लगे कि ये मतलब नॉच ऐसा नहीं है। तो इसको कैसे हाइड कर सकते हो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्या करना है आपको इसके लिए, फ़ोन की सेटिंग पे चले जाना है। सिंपली हम फ़ोन की सेटिंग पे आ जाते हैं। फ़ोन की सेटिंग पे आने के बाद आपको गाइस यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, और गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले का, तो सिंपली आपको डिस्प्ले पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो गाइस आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्टेटस बार का। सिंपली आपको स्टेटस बार का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा हाइड नॉच, हाइड नॉच पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आपको जो नॉच है वो हाइड हो जाएगा। गाइस देख सकते हैं, आपको जो नॉच है ऐसे हाइड कर सकते हैं अपने फ़ोन में आसानी से। तो गाइस ऐसे आपके फ़ोन में जो नॉच है वो हाइड हो जाएगा। मैंने टेम्पर लगा रखा है इसलिए आपको गाइस थोड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा कैमरे का, बट गाइस अगर टेम्पर नहीं होगा तो आपको पूरा ऐसा नॉच लगेगा कि नॉच आपकी पूरी हाइड हो चुकी है। ऐसे आप आसानी से अपने फ़ोन में जो नॉच है उसे हाइड कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। गाइस आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूले गाइस। तो आपको मिलते हैं हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।